वेलकम अगेन फ्रेंड्स, आज 21 अक्टूबर है और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए नई वैकेंसियाँ है जिसके लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताया गया हुआ है, तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहे बगैर स्किप किए हुए। आपको इस वीडियो में जितने भी वैकेंसियाँ मिलेंगी सभी ट्रस्टेड ऑफिस से और डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए, सभी अच्छी ऑफिस होंगी और अच्छे कंपनियों के लिए वैकेंसी होंगी जिसके लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई एजेंट का लिंक नहीं है। तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहे बगैर स्किप किए हुए, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो वैकेंसी है गल्फ़ के लिए डायनामिक ऑफिस से रिक्वायरमेंट है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको जो है वैक्सीन COVID-19 के, कोरोना वायरस के जो वैक्सीन है वो लगे हुए होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने का जो वैकेंसी है स्प्रे पेंटर, कारपेंटर, एसटीपी ऑपरेटर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, आरओ ऑपरेटर, मिल राइट फिटर, डंपर ड्राइवर, वेल्डिंग इंजीनियर, स्टील फैब्रिकेटर, मैकेनिकल हेल्पर, लिफ्टिंग सुपरवाइजर, वेल्डिंग सुपरवाइजर, वाल्व कोऑर्डिनेटर, मिल राइट फोरमैन, रिगिंग सुपरवाइजर, जंबो ड्रिल ऑपरेटर, हाइड्रोलिक मैकेनिक, बूम ट्रक ऑपरेटर, ईओटी क्रेन टेक्नीशियन, मिल राइट सुपरवाइजर, बूम ट्रक ऑपरेटर, टर्न अराउंड शेड्यूलर, एचबीएसई कंट्रोल टेक्नीशियन, परमिट कोऑर्डिनेटर पीटीडब्ल्यू में, एचबीएसई इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, शटडाउन सुपरिटेंडेंट, ईओटी क्रेन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। ये सभी रिक्वायरमेंट एसएस डायनामिक ऑफिस से है। इसको अप्लाई करने के लिए आप दिल्ली, चेन्नई, बड़ोदरा, कोचीन, मुंबई, जो भी आपके नियरेस्ट ऑफिस है वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी वैकेंसी गल्फ के लिए है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए है, नासिर ओवरसीज कंसल्टेंट ऑफिस से। इसका क्लाइंट इंटरव्यू बहुत जल्द होगा और इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है सेल्स सुपरवाइजर, इनका सऊदी का एक्सपीरियंस होना, इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है जिसे फ्रीजर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वैन सेल्समैन और ट्रेलर ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है जिनके पास लॉन्ग हॉल ड्राइवर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सऊदी का लाइसेंस होना चाहिए। इन सभी को अप्लाई करने के लिए आपका जो एज है 25 साल से 45 साल के अंदर होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप अपना CV अभी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मेल कर सकते julie@nasirs.org पर, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए है, नासिर ओवरसीज ऑफिस से। इसका स्काइप इंटरव्यू बहुत जल्द होगा, इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है CEO सिक्रेटरी, एग्रीकल्चर इंजीनियर, पेस्ट्री चीफ, पेस्ट्री कॉमिस, बेकर्स, किचन कॉमिस, बटलर्स, बरिस्ता, वेटर्स, टी बॉय, फार्म लेबर, हाउस ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है। ये सभी वैकेंसी सऊदी अरब के लिए नासिर ओवरसीज कंसल्टेंट ऑफिस से। इसका इंटरव्यू स्काइप पे होगा, शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। इसको अप्लाई करने के लिए आप इनको अभी CV मेल कर सकते हैं julie@nasirs.org पर। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए है, अल हुदैब HR कंसल्टेंट ऑफिस से। इसका क्लाइंट इंटरव्यू मुंबई में 25 अक्टूबर को होगा और इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन सब स्टेशन, प्लम्बर, पाइप फैब्रिकेटर, पाइप फिटर, स्टील फिक्सर, शटरिंग कारपेंटर, मेसन ऑल राउंडर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक ट्रक के लिए, कार मैकेनिक, JCB ऑपरेटर जो GCC रिटर्न होने चाहिए, बॉबकेट ऑपरेटर GCC रिटर्न होने चाहिए यानी GCC का लाइसेंस होना चाहिए, क्रेन ऑपरेटर GCC रिटर्न, ट्रेलर हेवी ड्राइवर सऊदी के लाइसेंस के साथ, लाइट ड्राइवर सऊदी का लाइसेंस होना चाहिए, हाइड्रोलिक मैकेनिक, ऑटो कैड ड्राफ्टमैन सिविल के लिए, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, एडमिन असिस्टेंट, टाइम कीपर, परमिट रिसीवर APR में, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी डॉक्यूमेंट स्पेशलिस्ट, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट फोरमैन, इलेक्ट्रीशियन फोरमैन, सिविल स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर, इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइजर, पाइपिंग सुपरवाइजर CS के लिए, फायर वॉच, क्वांटिटी सर्वेयर, मटेरियल कंट्रोलर, कंस्ट्रक्शन लेबर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर,
मैकेनिकल पाइपिंग इंजीनियर जीआरपी में, सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियर ईएनआई, क्वालिटी इंस्पेक्टर जीआरपी इंस्पेक्टर, मैकेनिकल पाइपिंग क्वालिटी इंस्पेक्टर, सिविल स्ट्रक्चरल क्यूसी इंस्पेक्टर, एस्टीमेशन इंजीनियर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, हेवी इक्विपमेंट मैकेनिक इंजीनियर। ये सभी वैकेंसी सऊदी अरब के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए अल हुदैब एचआर ऑफिस से इसका रिक्वायरमेंट है, जो क्लाइंट इंटरव्यू 25 अक्टूबर को मुंबई में होगा। इसको सीवी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आप इनको मेल कर सकते हैं cb@alhudaibhr.com पर। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट वैकेंसी एचआर इंटरनेशनल ऑफिस से, इसका इंटरव्यू 28 अक्टूबर को होगा, जूम पे होगा, वीडियो कॉलिंग जूम इंटरव्यू होगा। रियाद के लिए वैकेंसी है, सऊदी अरब में रियाद के लिए वैकेंसी है, एफएम प्रोजेक्ट के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है, एचबीएससी सीनियर टेक्नीशियन, इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन हाई वोल्टेज के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, लिफ्ट एंड एक्सेलेटर टेक्नीशियन, किचन होम अप्लाइसेंस सीनियर टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। इनको अप्लाई करने के लिए आप दिल्ली, मुंबई, कोचीन, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके नियरेस्ट ऑफिस है वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप इनको सीवी अपना व्हाट्सअप भी कर सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। इनका दिल्ली और मुंबई का सभी व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उन पर व्हाट्सअप अपना सीवी कर दें। नेक्स्ट वैकेंसी बहरीन के लिए है, लॉन्ग टर्म जॉब है डायनामिक ऑफिस से। इसका क्लाइंट इंटरव्यू 22 अक्टूबर को होगा और ये फ्री रिक्वायरमेंट है, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है, टिग एंड आर्क वेल्डर चाहिए सीएस में, पाइप फिटर, पाइप फैब्रिकेटर, रिगर और पाइपिंग फोरमैन की रिक्वायरमेंट है बहरीन के लिए डायनामिक ऑफिस से। इसको अप्लाई करने के लिए आप डायनामिक ऑफिस में अपना सीवी मेल कर दें, ये फ्री रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए है, अल फखरा कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट, खजूर फैक्ट्री कंपनी है, डेट्स फैक्ट्री कंपनी, नासिर ओवरसीज कंसलेंट ऑफिस से रिक्वायरमेंट है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है, फैक्ट्री लेबर की रिक्वायरमेंट है, जो फिजिकल फिट होने चाहिए, जो कैंडिडेट बिल्कुल फिजिकल फिट यानी अच्छे से फिट होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपका एज लिमिट जो है 23 से लेकर 30 के बीच में होना चाहिए, 23 से लेकर 30 के बीच में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्लाइंट इंटरव्यू लखनऊ में 23 अक्टूबर को और कोलकाता में 24 अक्टूबर को होगा, नासिर ओवरसीज कंसलेंट ऑफिस से। नेक्स्ट वैकेंसी गल्फ लार्जेस्ट डेयरी कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है, नासिर ओवरसीज कंसलेंट ऑफिस से, फ्री रिक्वायरमेंट है, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। और इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है, मेंटेनेंस टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, प्लांट मेंटेनेंस मैकेनिकल में, बेसिक इलेक्ट्रिशियन प्रोडक्शन और यूटिलिटी में, रेफ्रिजरेशन मेंटेनेंस विथ अमोनिया, ऑटोमेशन मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है। इनको अप्लाई करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नासिर ओवरसीज कंसलेंट ऑफिस से फ्री रिक्वायरमेंट है ये। नेक्स्ट वैकेंसी यूनाइटेड अरब इमारत के लिए है, जे अम्बे ओवरसीज ऑफिस से इसका रिक्वायरमेंट है और ये फ्री रिक्वायरमेंट है, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है, लीड प्लानिंग इंजीनियर, इनका एक्सपीरियंस 10 साल का गल्फ का होना चाहिए, शट डाउन ऑयल एंड गैस का, और प्लानिंग इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है 8 साल का एक्सपीरियंस के साथ गल्फ का शट डाउन में, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही जल्द इसका फ्लाइट होगा, शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, ये फ्री रिक्वायरमेंट है जय अम्बे ओवरसीज ऑफिस से। अप्लाई करने के लिए आप career@jayambeoverseas.com पे आप अपना सीवी मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए है, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के लिए फ्री रिक्वायरमेंट है और इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एम घी वाला ग्लोबल ऑफिस से। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है, पाइप फिटर, लेबर, टैंक क्लीनर, मैकेनिकल हेल्पर, बूम ट्रक ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, सुपर सकर ऑपरेटर, पाइप फैब्रिकेटर, मैकेनिकल फिटर, स्ट्रक्चरल फिटर, इंडस्ट्रियल पेंटर, सैंड ब्लास्टर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, स्कॉप होल्डर, वेल्डर, टिग में आर्क, टिग आर्क सीएस के लिए, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, मैकेनिकल फोरमैन, परमिट रिसीवर, जूनियर क्वांटिटी सर्वेयर, हेवी ड्राइवर जिसके पास जीसीसी का लाइसेंस होना चाहिए, प्लस
प्लेट स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर, हाइड्रो टेस्टिंग टेक्नीशियन, सन ब्लास्टिंग एंड पेंटिंग फोरमैन, इन सभी को अप्लाई करने के लिए इससे रिलेटेड कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्टोरेज टैंक का, और आपके पास क्वालिफिकेशन ITI डिप्लोमा डिग्री या कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। MGI वाला ग्लोबल ऑफिस से सऊदी अरब के लिए फ्री रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वैकेंसी यूनाइटेड अरब इमारत के लिए है, इजादा एसेट मैनेजमेंट ग्रुप कंपनी के लिए। यह बड़ी वैकेंसी है, इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है और इसका क्लाइंट इंटरव्यू जो है 23 अक्टूबर को मुंबई में होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है, सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट है सिविल में, और सुपरवाइज़र MEP के लिए HVAC टेक्नीसियन, AC टेक्नीसियन, इलेक्ट्रीसियन, प्लम्बर, मेसन, कारपेंटर, पेंटर की रिक्वायरमेंट है। इन सभी को अप्लाई करने के लिए इससे रिलेटेड कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फैसिलिटी मैनेजमेंट मेंटेनेंस का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपका क्वालिफिकेशन ITI या डिप्लोमा होना चाहिए, और थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश बोलने और लिखने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्स इंटरनेशनल ऑफिस से ये रिक्वायरमेंट है, मुंबई से अप्लाई कर सकते हैं। इसका 23 अक्टूबर को क्लाइंट इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए है, प्योर बेवरेज इंडस्ट्रियल कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है, नासिर ओवरसीज कंसलेंट ऑफिस से। इसका डायरेक्ट कंपनी से वीजा इशू होगा, और इसको अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है, बैन सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है, गल्फ का लाइसेंस होना जरूरी है, चाहे वो सऊदी का हो या किसी भी गल्फ का, और आपको 2 साल का FMCG कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिलीवरी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, जिनके पास सऊदी का या किसी भी गल्फ कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल का FMCG कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इनको अप्लाई करने के लिए आपका एज लिमिट जो है 25 साल से 35 साल के अंदर होना चाहिए, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनका क्लाइंट इंटरव्यू बहुत जल्द होगा, इसको अप्लाई करने के लिए आप अपना CV जब तक मेल कर दें शॉर्ट लिस्टिंग के लिए job.pbc2021@gmail.com पे, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने नियरेस्ट ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुंबई, कोचिन, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं से भी आप इसके लिए कॉन्टैक्ट करके इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नासिर ओवरसीज कंसलेंट ऑफिस से रिक्वायरमेंट है सऊदी अरब के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए है, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के लिए MGI वाला ग्लोबल ऑफिस से। यह फ्री रिक्वायरमेंट है, और इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फ्रेशर के लिए ये नहीं है, गल्फ रिटर्नर के लिए है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है, मैकेनिकल साइट सुपरवाइजर, इनका एक्सपीरियंस टैंक मेंटेनेंस API 653 और 650 का होना चाहिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल में, जो टैंकेज एक्सपीरियंस API 650 और 653 का होना चाहिए, QA/QC मैकेनिकल प्रोजेक्ट इंजीनियर, इनका टैंक मेंटेनेंस एक्सपीरियंस और API 650 और 653 में, प्रोजेक्ट प्लानिंग इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर का रिक्वायरमेंट है जो टैंक मेंटेनेंस का। इन सभी को अप्लाई करने के लिए इससे रिलेटेड कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनेंस स्टोरेज टैंक का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपका क्वालिफिकेशन BE मैकेनिकल में होना चाहिए, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। MGI वाला ग्लोबल ऑफिस से फ्री रिक्वायरमेंट है सऊदी अरब के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए है, ORE प्रोसेसिंग प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट है MGI वाला ग्लोबल ऑफिस से। इनको अप्लाई करने के लिए रिटर्नर अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास गल्फ का एक्सपीरियंस है, और इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी होंगी, सीनियर इंजीनियर मेटलरी 2, सीनियर ऑपरेटर CIL एंड LG फीड थिकनिंग, सीनियर ऑपरेटर फ्लोशन एंड कंक्रीट थिकनिंग, सीनियर ऑपरेटर डेटेक्स एंड नेचुरलाइजेशन, सीनियर ऑपरेटर माइलिंग एंड ग्रेविटी सर्किट, मेन कंट्रोल रूम ऑपरेटर, सीनियर ऑपरेटर क्रशर सर्किट, मैकेनिक मेंटेनेंस टेक्नीशियन, मेंटेनेंस प्लानर 1, सीनियर ऑपरेटर POX एरिया, मैकेनिकल वर्कशॉप सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप शिफ्ट सुपरवाइजर, मिल ऑपरेटर SAR, प्लांट शिफ्ट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर रेजेंट, मिल शिफ्ट सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। इनको अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम 5 साल का इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन आपका ITI डिप्लोमा डिग्री कुछ भी होना चाहिए, इंग्लिश का आपको नॉलेज होना चाहिए लिखने और बोलने का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं MGI वाला ग्लोबल ऑफिस से।
नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कतर के लिए है नासिर ओवरसीज कंसलेंट ऑफिस से। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है रेडिएटर सोल्डरिंग टेक्नीशियन 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और रेडिएटर एंड हीट एक्सचेंजर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस का। ऑटो एसी टेक्नीशियन 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्विस और ब्रिजिंग का। ऑटो एसी टेक्नीशियन 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिनका ब्रिजिंग रेडिएटर का जो जीसीसी का एक्सपीरियंस हो। पेंट मिक्सर टेक्नीशियन 4 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोमेटिक पेंट मिक्सिंग का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीडियम ट्रक ड्राइवर 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ मीडियम ट्रक ड्राइवर का कतर का लाइसेंस होना चाहिए। ऑटोमेटिक टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है जो ऑटोमेटिक लिफ्टर एंड इक्विपमेंट के लिए चाहिए, इंस्टॉलेशन इंडस्ट्रियल कूलर फैन वेल्डिंग मशीन के लिए, इंस्टॉलेशन व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसर के लिए, इन सभी के लिए ऑटोमेटिक टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट। ये सभी वैकेंसी नासिर ओवरसीज ऑफिस से है। इसमें इन सभी का जो टेक्नीशियन का सैलरी रहेगा 2000 कतरी रियाल और फूड इंक्लूड रहेगा, और ड्राइवर का सैलरी रहेगा 2300, फूड इसके अंदर इंक्लूड है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की तरफ से मिलेगा। इनके अप्लाई करने के लिए आप अपने इनको सीवी मेल कर सकते हैं shahid@nasir.org पे। ये कतर के लिए वैकेंसी है नासिर ओवरसीज कंसलेंट ऑफिस से। नेक्स्ट वैकेंसी बहरीन के लिए है ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के लिए मीना सपोर्ट सर्विस ऑफिस से। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है इंस्ट्रूमेंट फोरमैन की रिक्वायरमेंट है जिन्हें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग में, और इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है जिन्हें 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑटोमेशन टेक्नीशियन 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, इंस्ट्रूमेशन फिटर की रिक्वायरमेंट है 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और इंस्ट्रूमेंट असिस्टेंट हेल्पर की रिक्वायरमेंट है जिन्हें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन सभी को अप्लाई करने के लिए ऑयल एंड गैस प्लांट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं मीना सपोर्ट सर्विस ऑफिस से। अप्लाई करने के लिए आप अपना इनको सीवी मेल कर दें sourcing1@meenalimited.com पर। यह बहरीन के लिए रिक्वायरमेंट है ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी ओमान के लिए है सेगुल इंटरनेशनल ऑफिस से, और इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है जिन्हें कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वाटर वेस्ट वाटर एसटीपी एंड ईटीपी का, और इनका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा बैचलर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, तो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं सेगुल इंटरनेशनल ऑफिस से। अप्लाई करने के लिए आप इनको अपना सीवी मेल कर सकते हैं sehgul.hr2021@gmail.com पर। नेक्स्ट वैकेंसी यूके के लिए है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है, और इसे अप्लाई करने के लिए आपका एज 21 साल से 25 साल के बीच में हो तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एम घी वाला ग्लोबल ऑफिस से। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है पैनल बीटर पेंटर स्प्रेयर इन एग्रीकल्चर ट्रैक्टर फार्म मशीनरी के लिए रिक्वायरमेंट है, और ट्रैक्टर टेक्नीशियन इंजीनियर मैकेनिक की रिक्वायरमेंट है जो रिपेयरिंग कर सकते हैं ट्रैक्टर और फार्म मशीनरी उनके लिए चाहिए। ये सभी को अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 3 साल का इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका क्वालिफिकेशन ITI डिप्लोमा ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज लेवल B1 का होना चाहिए, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं एम घी वाला ग्लोबल ऑफिस से। अप्लाई करने के लिए आप mg33@mgghiwala.com पे अपना सीवी मेल कर दें। ये यूके के लिए रिक्वायरमेंट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी है ट्रैक्टर फार्म वाली। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए है अरबिक क्यूजिन रेस्टोरेंट के लिए रिक्वायरमेंट है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है हेड चीफ की रिक्वायरमेंट है जिन्हें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अरबिक क्यूजिन का एक्सपीरियंस गल्फ का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइन कुक की रिक्वायरमेंट है जिन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अरबिक क्यूजिन का गल्फ रिटर्न होना चाहिए, और इनके पास क्वालिफिकेशन बैचलर या डिप्लोमा होना चाहिए होटल मैनेजमेंट से। बेकरी की रिक्वायरमेंट है 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ जिनका एक्सपीरियंस बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का होना चाहिए, और इनके पास क्वालिफिकेशन बैचलर या डिप्लोमा होना चाहिए होटल मैनेजमेंट से, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बार टेंडर की रिक्वायरमेंट है जिनका एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल का होना चाहिए टी एंड कॉफी में। क्लीनर की रिक्वायरमेंट है जिनका एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए, और मैनेजर की रिक्वायरमेंट है 7 साल के एक्सपीरियंस के।
एक्सेलेंट इंग्लिश और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, एमबीए इनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम घी वाला ऑफिस से रिक्वायरमेंट है सऊदी अरब के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी कतर के लिए है, ये लॉन्ग टर्म जॉब है, अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस से रिक्वायरमेंट है, इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है रिगिंग फोरमैन की रिक्वायरमेंट है, लिफ्टिंग एंड एमएस पावर पॉइंट के लिए रिगर की रिक्वायरमेंट है, और फैब्रिकेटर चाहिए जिनका एक्सपीरियंस स्ट्रक्चर और पाइप का होना चाहिए। इन सभी को अप्लाई करने के लिए इससे रिलेटेड कम से कम 5 साल का गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप अपना CV इनको मेल कर सकते हैं mechanical@indianpersonal.com पर। ये अम्बे इंटरनेशनल ऑफिस से रिक्वायरमेंट है, कतर के लिए लॉन्ग टर्म जॉब है। नेक्स्ट वैकेंसी कतर के लिए है KFC कंपनी के लिए, अमेरिकन जो KFC आते हैं उसके लिए एफ घी वाला ऑफिस से। इसका वर्क इंटरव्यू 21 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक चलेगा मुंबई के ऑफिस में। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है कुक असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, सैलरी रहेगा 1400 कतरी रियाल। इनको अप्लाई करने के लिए आपका पर्सनैलिटी गुड होना चाहिए, बहुत अच्छे लुकिंग होने चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो किचन असिस्टेंट में, और आपको वैक्सीन लगे हुए होना चाहिए, और आपका एज जो है 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, 35 के अंदर होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है एफ घी वाला ऑफिस में। नेक्स्ट वैकेंसी कतर के लिए है, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, डेलीनेस नर्स की रिक्वायरमेंट है, मेल और फीमेल दोनों चाहिए, 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ जो डेलीसिस नर्स में हो, होमोडेलिसिस और डेलिसिस का बेसिक इंग्लिश का कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं GK मेन पावर कंसुलेंट ऑफिस से। अप्लाई करने के लिए आप इनको अपना CV मेल कर सकते हैं hrd@gkmanpower.com पे। नेक्स्ट वैकेंसी कुवैत के लिए है, ऑयल एंड गैस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, सिंकलेस मार्केटिंग सर्विस ऑफिस से। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है वेल्डर की रिक्वायरमेंट है जो डाउनहिल एंड SMAW से, और पाइप फैब्रिकेटर चाहिए ग्राइंडर इसका फोल्डर। इन सभी को अप्लाई करने के लिए इससे रिलेटेड 5 साल का ऑयल एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप m.ahmed@sinclair.com पर अपना CV मेल कर सकते हैं सिंकलेस मार्केटिंग ऑफिस में। नेक्स्ट वैकेंसी दुबई के लिए है, शिपयार्ड कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है पायोनियर ट्रेवल्स ऑफिस से। इसका क्लाइंट इंटरव्यू आज 21 अक्टूबर को होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है वेल्डर की रिक्वायरमेंट है जो मिग और टिक के लिए चाहिए, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर की रिक्वायरमेंट है। ये वैकेंसी पायोनियर ट्रेवल्स ऑफिस से दुबई के लिए है। नेक्स्ट वैकेंसी कतर के लिए है, GK मैन पावर कंसल्टेंट ऑफिस से रिक्वायरमेंट है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है जनरल नर्स की रिक्वायरमेंट है, मेल और फीमेल दोनों चाहिए, इनका एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए जनरल नर्सिंग में डाटा फ्लो से। hrd@gkmanpower.com पे अपना CV मेल कर सकते हैं GK मैन पावर कंसल्टेंट ऑफिस से कतर के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए है, रेडीमिक्स कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है। इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू शिकार में 24 अक्टूबर और झुंझुनुआ राजस्थान में 25 अक्टूबर, दिल्ली में 26 अक्टूबर और सिवान बिहार के सिवान में 28 अक्टूबर और गोपालगंज में 29 अक्टूबर, बरहरिया में 30 अक्टूबर और कुशीनगर में होगा 31 अक्टूबर को। बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, और इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है फिनिशिंग मेसन स्टील फैब्रिकेटर स्टील फिक्सर की रिक्वायरमेंट है। इसको अप्लाई करने के लिए अगर आपका पासपोर्ट ECR है या ECNR है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका एज जो है 23 साल से 35 साल के अंदर होना चाहिए, और आपका अगर इंडियन लाइसेंस इंडियन एक्सपीरियंस है या गल्फ का एक्सपीरियंस है कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडिया या गल्फ का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एम घी वाला ग्लोबल ऑफिस से। नेक्स्ट वैकेंसी अबू धाबी के लिए है, पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए एफ घी वाला ऑफिस से। इसका वर्चुअल इंटरव्यू होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है मैकेनिकल हेल्पर इलेक्ट्रिकल हेल्पर और इंस्ट्रूमेंट हेल्पर की रिक्वायरमेंट है। इन सभी को अप्लाई करने के लिए इस क्वालिफिकेशन ITI या डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्पर में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एफ घी वाला ऑफिस में, और आपका एज लिमिट जो है 40 साल के अंदर होना चाहिए।
नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है प्योर बेवरेज इंडस्ट्री कंपनी के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है, सेल्स सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, जिनका 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्स सुपरवाइजर में FMCG कंपनी का गल्फ से। तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और आपका गल्फ का लाइसेंस होना चाहिए और आपका एज लिमिट जो है 25 से लेकर 40 साल के अंदर होना चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्लाइंट इंटरव्यू बहुत ही जल्द होगा। इसको अप्लाई करने के लिए आप अपना CV इनको मेल कर सकते हैं jobs.pbc2021@gmail.com पे। और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने नियरेस्ट ऑफिस में इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुंबई, कोचीन, दिल्ली, कलकत्ता में। ये नासिर ओवरसीज ऑफिस से रिक्वायरमेंट है, बहुत ही जल्द इसका फ्लाइट होगा। नेक्स्ट वैकेंसी दुबई के लिए है, लॉन्ग टर्म जॉब है, इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है सेगुल इंटरनेशनल ऑफिस है। इसका वर्क इंटरव्यू 21 तारीख से लेकर के 26 अक्टूबर तक होगा गोरखपुर में, और क्लाइंट इंटरव्यू 27 अक्टूबर को होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है, सैंड ब्लास्टर, स्प्रे पेंटर एयरलेस में, असिस्टेंट सैंड ब्लास्टर और पेंटर की रिक्वायरमेंट है। इन सभी को अप्लाई करने के लिए इससे रिलेटेड कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको इंग्लिश का थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सेगुल इंटरनेशनल ऑफिस में दुबई के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए, पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है जी घी वाला ऑफिस से। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है, बैक टेंडर, इनके पास क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस। वेंडर असिस्टेंट, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन में और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। DCS ऑपरेटर, केमिकल मैकेनिकल के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल मैकेनिकल में 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। स्टॉक प्रिपरेशन ऑपरेटर, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या ITI होना चाहिए, ITI के साथ 7 साल का एक्सपीरियंस। ऑपरेटर कोर कटर की रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में और 3 साल का एक्सपीरियंस। केमिकल प्रिपरेटर सैंपलर की रिक्वायरमेंट है, जिनका एक्सपीरियंस प्रेपरिंग पॉलीमर ब्लीचिंग केमिकल का होना चाहिए और क्वालिफिकेशन SSC 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। बैन सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है, जिनका सऊदी का लाइसेंस होना चाहिए और क्वालिफिकेशन SSC 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए। तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी को अप्लाई करने के लिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का होना चाहिए। तो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप अपना CV इनको मेल कर सकते हैं hr3@gghiwala.com पे। ये जी घी वाला ऑफिस रिक्वायरमेंट है सऊदी अरब के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी सऊदी अरब के लिए है, शिपयार्ड कंपनी के लिए अल यूसुफ जॉब से। इसका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। इसमें शिपयार्ड ड्राई डॉक डिवीजन और ऑफशोर हुक अप डिवीजन के लिए रिक्वायरमेंट है। शिपयार्ड ड्राई डॉक डिवीजन के लिए रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल सुपरवाइजर, मरीन मैकेनिक, पाइपिंग सुपरवाइजर, मैकेनिक, B&P सुपरवाइजर, कारपेंटर, B&P फोरमैन, रिगर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, आउटफिटिंग सुपरवाइजर, कारपेंटर फोरमैन और आउटफिटिंग फोरमैन की रिक्वायरमेंट है। इन सभी को इससे रिलेटेड कम से कम 5 साल का शिपयार्ड मरीन ड्राई डॉक का होना चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफशोर हुक अप डिवीजन के लिए रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन मैनेजर, मैकेनिकल सुपरिटेंडेंट, QA मैनेजर, स्ट्रक्चर सुपरिटेंडेंट की रिक्वायरमेंट है। इन सभी को 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल एंड गैस ऑफशोर से। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप इनको अपना CV मेल कर सकते हैं jobs@alyusufjobs.com पे। अलीयूसुफ जॉब से ये रिक्वायरमेंट है सऊदी अरब के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी कतर के लिए है इंडोमान ऑफिस से। इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू 25 अक्टूबर को होगा मुंबई और बड़ोदरा में। इसमें अप्लाई करने के लिए जो वैकेंसी है, फोरमैन रिगिंग की रिक्वायरमेंट है, जो प्रिपेयर लिफ्टिंग प्लान एंड MS पावर पॉइंट का एक्सपीरियंस हो, फोरमैन मैकेनिकल और पाइपिंग के लिए चाहिए, फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन फैब्रिकेटर चाहिए पाइप और स्ट्रक्चर के लिए, रिगर, स्काफ होल्डर, वेल्डर की रिक्वायरमेंट है जो GTAW प्लस SMAW, CS और SS में। ये सभी वैकेंसी इंडोमान ऑफिस से कतर के लिए है। इसको शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आप अपना CV मेल कर सकते हैं HRD
hrdept@indoman.com पे। इसका क्लाइंट इंटरव्यू 25 अक्टूबर को मुंबई और बड़ोदरा में होगा। तो ये आज के कुछ वैकेंसी है जिसके लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई एजेंट बीच में नहीं है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि आपका कोई भी चक्कर नहीं होगा एजेंट का, बीच में कोई आपसे पैसे खाने वाले नहीं होंगे और ना ही फ्रॉड करने वाले। ये जितने भी वैकेंसी सभी ट्रस्टेड ऑफिस से और अच्छे कंपनी के लिए है। इसमें आपका जॉब है तो आप इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई करें, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए वैकेंसी से रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू।